अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पीके कार्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए कार मेंटेनेंस से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ, और वो ये है कि जैसे मेरे केस में गाड़ी के जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं वो दोनों गंदे हो चुके हैं, इस पर क्रोयन आ चुकी है और नीचे सल्फेट भी जमा हो चुका है। तो इसको मैं खोल के साफ़ करना चाहूँगा। और दूसरा ये कि गाड़ी काफ़ी दिन की खड़ी है तो बैटरी भी वीक हो चुकी है, तो इसे भी रिचार्ज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने नेगेटिव टर्मिनल, ये देखें माइनस का साइन बना हुआ है, आपने माइनस का साइन देखना है और नेगेटिव टर्मिनल को उतार देना है। ये बात ख्याल करनी है कि आप पॉजिटिव टर्मिनल पहले ना उतारें, क्योंकि खुदा ना खास्ता उतारते हुए अगर आपसे गलती से भी बॉडी पे टच हो गया या आपका लीवर, तो आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये टर्मिनल उतर चुका है, इसे हम साइड पर कर लेंगे। देखें ये कितना ज़्यादा सल्फेट आ चुका है इसके अंदर वाली साइड पे, तो इसका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया होगा इस वजह से। तो इसको हम साफ़ करेंगे। बैटरी के टर्मिनल को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद उसे सैंड पेपर से भी आप थोड़ा सा साफ़ कर लें। बैटरी के टर्मिनल्स को साफ़ करने के बाद बैटरी के पानी को देख लेना है, और इसमें डिस्टिल वाटर आपने अपर लिमिट तक डाल देना है। और मेरे केस में देखें वो आपको नज़र आ रहा होगा कि पूरा है। फाइनली अगर बैटरी को चार्ज करने की ज़रूरत है तो उसे चार्जिंग पे लगा दें, और जैसे ही ये एम्पेयर कम होते होते ज़ीरो पे आ जाएंगे, तो इसका मतलब आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, और इसे फिर आप गाड़ी में वापस लगा दें। बैटरी के टर्मिनल्स को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लें। एंड पे फाइनली आपने दोनों टर्मिनल्स के ऊपर ग्रीसिंग कर देनी है अच्छी तरीके से,